नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज के समाचार पत्रों ने किस खबर को प्राथमिकता दी है। एक और जहां हरियाणा में एक बड़ी दुखद घटना जो है वो सामने आई है। दरअसल एक स्कूल बस के दुर्घटना होने के कारण 6 बच्चों की मौत हो गई है। ये दुखद खबर जो है आज लगभग सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। दरअसल आरोप है कि ड्राइवर जो है वो नशा करके गाड़ी चला रहा था। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने और हिंदुस्तान, ये दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जो विशेष बातचीत जो है, उसको लेकर समाचार प्रकाशित हुए हैं। और आईफोन पर पेगासस जैसे हमले की चेतावनी के संदर्भ में भी कई समाचार प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव, उनकी बर्खास्तगी जो खबर है वो भी आज के कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। आप देख सकते हैं पेगासस जैसे हमले का अलर्ट जो है ये लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। वहीं बीआरएस नेता कविता को सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है उसको लेकर भी आज तमाम जो है समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया सहित कई समाचार पत्रों ने इसे प्रमुख खबर बनाया है। तो कुल मिलाकर चुनावी समय है, चुनावी राजनीति जो है वो समाचार पत्रों में भी प्रभावित हो रही है, प्रभावित दिख रही है। तो कुल मिलाकर कहेंगे तो समाचारों की जो हो समाचार पत्रों की जो गहमा गहमी है वो चुनाव को लेकर जो है समाचार का सरोकार उन्होंने प्रकाशित किया है। तो इसी के साथ कल तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।